तो गाइज अभी कल हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं गाड़ी वाड़ी धो रहा हूँ। रात की 12 बज रही है क्योंकि सुबह टाइम मिलेगा नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ सुबह 6:30 बजे से, और जल्दी उठ के मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँ, क्योंकि गाइस मैंने रात को आपको गाड़ी धोते हुए बताया था कि हम लोग अगले दिन यानी आज जसोल माता जी के जाने वाले हैं, जो कि जोधपुर से गाइस 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप लोगों को अगर जसोल माता जी के दर्शन घर पे बैठे बैठे करने हैं तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहना, ताकि मैं आप लोगों को अच्छा सा व्यू दे सकूं और उस मंदिर के बारे में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो गाइस बने रहना वीडियो पे, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना मेरे चैनल को, और गाइस यूं ही अपना प्यार लुटाते रहना। तो गाइस मिलते हैं आपसे गाड़ी में, और आपसे बात करते करते मैं पूरा जसोल का टूर दूंगा आपको। तो गाइस लव यू ऑल। तो अभी रुद्रा को रेडी किया जा रहा है। रुद्रा से गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। तो गाइज अगर आपको जसोल जाना है तो गाइज आपको जोधपुर से बालोतरा का रूट पकड़ना होगा। बालोतरा जोधपुर से 105 किलोमीटर की दूरी पे है, और बालोतरा पहुंचने के बाद आपको वाया नाकोड़ा रोड जाना पड़ेगा जसोल, जो कि बालोतरा से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गाइज अगर किसी को बालोतरा के बारे में नहीं पता है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बालोतरा जो है वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा शहर है, जो कि बाड़मेर से 100 किलोमीटर पहले पड़ता है। पहले बालोतरा आएगा, फिर 100 किलोमीटर से और ट्रैवल करेंगे आप तो फिर बाड़मेर आएगा। तो गाइज ये माता रानी भटियानी भी कहते हैं इनको, और माता रानी भटियानी का जो मंदिर है एक साल करीब करीब कोरोना के बाद अभी खुला है, तो हम भक्तों में जैसे भाई उम्मीदों की लहर एक जाग सकी है। तो गाइज अभी हम लोग बहुत खुश हैं, और मैंने रुद्रा के लिए वहाँ पे मन्नत मांगी थी कोरोना से पहले कि जल्दी चलना सीख जाए, जल्दी बोलना सीख जाए, और मैं मन्नत मांग के आया था गाइज। लिटरली ये मन्नत पूरी हुई है, और यहाँ पर जो भी कोई मन्नत सच्चे दिल से करता है तो माता रानी जो है भाई उनकी जो मन्नत है वो सच्चे दिल से मतलब पूरी होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस गाइज, और मैंने एक चीज नहीं, मैंने वहां पे हमारे घर बनाने की भी मन्नत की थी, वो भी गाइज पूरी हुई है। तो आप लोग भी जाइए और मन्नत मांग के आइए। गाइज अभी हम लोग 100 किलोमीटर चल के गाड़ी से, और अभी हम लोग बालोतरा साइड पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे चाय नाश्ता है जो हम गाड़ी में लेके आए थे, और चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे जसोल की तरफ, जो कि यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर होगा। तो वहाँ जाके मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा गाइस अगर आपको जसोल माता के दर्शन करने हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे रुका हूँ RJ 39, आप देख सकते हैं मारवाड़ी होटल, जो कि यहाँ पे बालोतरा बाईपास की तरफ है, और देख सकते हैं वो पुल है, पुल के जस्ट आप राइट साइड में आएंगे तो आपको ये जो RJ 39 होटल है वो दिख जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग पराठा सब्जी चाय हमने यहाँ से ले ली है। तो गाइज नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग वाया नाकोड़ा रोड जसोल के लिए निकले, और सामने आप बोर्ड देख सकते हैं जसोल धाम का जो आपका रास्ता वो दिखाई रहा है राइट साइड में। तो राइट साइड में गाइज यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं, तो बस थोड़ी सी दूर में आगे आपको अगर दिख पा रहा है कि वो जो बड़ी बड़ी जो हेरिटेज टाइप बिल्डिंग दिख रही है वही नया बिल्डिंग है जसोल माता का, वो अभी अभी रिसेंटली रेनोवेट हुआ है। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था गाइज, बिल्कुल मतलब जंगल टाइप था, और अभी रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारे रुपए लगा के यहाँ पे ये रिनोवेशन का काम किया। और जैसे ही अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइज आपको इतना अच्छा मतलब एरिया दिखेगा, आप देखना अभी मेरे साथ साथ आते रहो आप। और यहाँ पर आने के लिए मेरे को जोधपुर से करीब करीब 2 घंटे लगे गाइज, लगभग 80-90 की स्पीड में मैंने गाड़ी चलाई तो मेरे को लगभग लगभग 2 घंटे लगे, और बीच में हम लोग नाश्ता करने के लिए भी रुके थे तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो गाइज जैसे आप अंदर की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पे मंदिर का लुक दिया है, और मतलब बिल्कुल मतलब आप देखते हैं मतलब आपको मतलब इतना दिल खुश होने वाला है। और यहीं से रास्ता है गाइज, जो लोग गाड़ी लेके आते हैं तो पार्किंग का एरिया है पूरा का पूरा, और आगे की तरफ जाते हैं तो ये पूरा गोल घूम के मतलब पीछे की तरफ आएगा। और आप लोग बिल्डिंग देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे जैसे लोग बाहर से आते हैं या कोई बड़ा फंक्शन होता है या कोई मेला वाला लगता है तो कोई जो मतलब मेन जो गेस्ट होते हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई। अंदर बड़े बड़े रूम्स भी हैं जो श्रद्धालु लोग आते हैं तो रुक सकते हैं यहाँ पे, जो बड़ी बड़ी जो पूजा होती है। तो जैसे गाइज आप लोग आगे की तरफ चलेंगे और लेफ्ट में मुड़ेंगे तो गाइज ये पूरा का पूरा जो घुमावदार एरिया है ना वो अभी अभी बना है, और ये सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए रास्ते के लिए दिया गया है। तो जैसे ही आप पीछे की तरफ गाइज आएंगे ना तो वहाँ पे आपको पार्किंग का रास्ता मिलेगा, और पार्किंग जो गाड़ी की जो पार्किंग होती है गाइज उसके 20 रुपये लेते हैं यहाँ पर, और मेरे से 20 रुपये लिए थे यहाँ पर, और हमने गाड़ी रखी थी। और आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा गाइज, अंदर का पूरा मंदिर का टूर दूंगा आपको, और वीडियो पर बने रहना गाइज, वीडियो
अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना, नहीं लगती तो डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर रिस्पॉन्स जरूर देना। तो गाइस देख सकते हैं अभी बात करते करते ये जो पार्किंग का एरिया वो आ चुका है, यहाँ पे जो गार्ड खड़ा है ये 20 रुपये लेता है गाड़ी पार्किंग के, और उसके बाद ही आप लोग अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जसोल धाम में, और मैं आपको बता देता हूँ ये 100 और 120 किलोमीटर्स पड़ता है जोधपुर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पूजा के सामान ही मिलते हैं। मैं आपको व्यू दे देता हूँ पूरा का पूरा, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूजा का सामान वगैरह मिलता है, तो आप यहाँ से पूजा का सामान ले सकते हैं। और अंदर चलते हैं देखते हैं, सारी की सारी शॉप्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, सारी की सारी शॉप्स हैं। आज पूनम है तो अंदर में भी भीड़ हो सकती है, बाकी यहाँ पे आप पूजा का सामान वगैरह ले सकते हैं। दिखाता हूँ पूरा का पूरा आपको, देखो गाइस आप पूजा का सामान वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं, सारा का सारा सब मिलता है यहाँ पे, सारा पूजा का सामान मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। दुकान का नाम मैंने आपको दिखा दिया है सब कुछ, इधर और भी काफी सारी दुकान है, बिल्कुल लाइन से लगी हुई है। आप यहाँ से पूरा सामान वगैरह लेके आप अंदर दर्शन वगैरह करने जा सकते हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं वहाँ पे पार्किंग एरिया है पूरा, और 20 रुपीज़ का चार्ज लेते हैं कार के लिए, 20 रुपीज़ का चार्ज, ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है गाइस। और पार्किंग एरिया के जस्ट सामने ही प्रसाद की शॉप है, आगे की तरफ भी गाइस सारे के सारे शॉप्स हैं, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, अभी वहाँ पे दिखा देता हूँ। और अभी मैंने पूछा था कि भीड़ तो नहीं है आज, बट ये कह रहे हैं कि आज इतनी भीड़ नहीं है, आज दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो मैं आपको अंदर का पूरा व्यू दूंगा गाइस, वीडियो भी बने रहना गाइस, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ घर बैठे बैठे, तो थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट आप दिखाइए। तो वहाँ से मम्मी ने प्रसाद वसाद ले लिया और अभी आगे चलते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, और वहाँ पे सामने की तरफ अगर जाते हैं हम लोग तो वहाँ से मेन एंट्री है जसोल धाम की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं पहले ये सब कुछ नहीं था गाइस यहाँ पे, मतलब अभी रिसेंटली बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, और अब रिटली लगता है कि गाइस किसी धाम पे आए। आप देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और अभी अंदर भी चलेंगे अपन इसके अंदर, तो वहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा व्यू दूंगा, सीधा ही सीधा अपन को अंदर जाना है गाइस। तो गाइस जैसे ही अपन अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं ताकि कोरोना के चक्कर में कोई भीड़ भाड़ नहीं हो और किसी को वायरस नहीं फैले। तो हम लोग अंदर की तरफ आए थे और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं चप्पल जूते रखने का पूरा सेटलमेंट दे रखा है यहाँ पे, तो यहीं पे चप्पल खोल के अंदर प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाना पड़ता है गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने जूते खोल लिए हैं और अब चलते हैं प्रवेश द्वार के अंदर, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं लिखा है प्रवेश द्वार, तो यहाँ से अंदर जाएंगे गाइस, पूरा का पूरा व्यू दे रहा हूँ गाइस आपको मैं। गाइस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इतनी छतरियाँ बन रखी है यहाँ पे, आप देखिए गाइस, मतलब देखने लायक चीज़। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है बट शाम को अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अच्छी फोटोग्राफी वगैरह भी हो सकती है। और ये है पूरा का पूरा एरिया, बट यहाँ पे तो कुछ लग रहा है खाने वाने का कुछ सीन है, बट यहाँ से भी एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अभी टेंट वेंट लगा हुआ है, देख सकते हैं गाइस दर्शन हेतु पूरा टेंट बन रखा है, अगर इनके ज़्यादा भीड़ होती है तो उसके लिए पूरी फैसिलिटी दे रखी है। और यहाँ से अपन लोगों की एंट्री है, देख सकते हैं यहाँ से एंट्री अपनी अंदर, ये गेट बना हुआ है अभी हाल फिलहाल जो अरेंजमेंट चल रहा है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन के हिसाब से चलने के लिए बैरिकेड्स बन रखे हैं यहाँ पे, बिल्कुल मतलब कोरोना को बचाव करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है, ऐसा मैंने अभी तक तो किसी मंदिर में देखा नहीं, मैं काफ़ी मंदिर में गया था, बट यहाँ पे सारी फैसिलिटी दे रखी है। आप देख सकते हैं लाइन कोई ब्रेक नहीं कर सकता यहाँ पे, ऐसी फैसिलिटी कर रखी है। तो अभी हम लोग भी उस तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाके भी आपको मैं बताता हूँ गाइज। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो मंदिर था अंदर, वहाँ पे अंदर की तरफ प्रसाद चढ़ता था, बट अभी कोरोना को लेके थोड़े सिस्टम चेंज हो गए हैं, मंदिर के सामने टेंट बनाया गया, जो मैं आपको टेंट आपको दिखा रहा था उसी के अंदर जो माता जी का प्रसाद वगैरह वो सारा का सारा चढ़ेगा, और उसके बाद वहाँ पे आगे जाके दर्शन किए जाएंगे। तो ये सिस्टम चेंज हो चुका है, तो कोई भी अगर जसोल आ रहा है तो माइंड में ये बात रखे कि प्रसाद वहाँ मंदिर में नहीं चढ़ेगा, यहाँ पे सामने टेंट में चढ़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट दिख रखे हैं,
यहाँ पे टेंट में सारे का सारा प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के ही आपको उस मेन गेट से अंदर एंट्री लेनी है। तो गाइस जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे टेंट से, तो आपको मंदिर का इतना सुनहरा दृश्य देखने को मिलेगा गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे टाइम भी बताया है, सुबह की आरती का टाइम 6 बजे है और शाम की आरती का टाइम 7 बजे है। और ये है मंदिर, और हम लोगों ने सामने प्रसाद चढ़ाया था, अभी सिस्टम चेंज हो चुका है। तो अंदर आने के बाद ये है मंदिर गाइस। तो गाइस बालोतरा का जो ये मंदिर है, वहाँ पे भक्त लोग माता रानी को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे माता रानी भटियानी, माजीसा, स्वरूपों और जसोल माता जी। भक्तों की जो आस्था है उसका आप अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं गाइस, जब यहाँ पे मेला लगता है तो गाइस भक्त लोग रात के 3 बजे से यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, ताकि जो सुबह की पहली आरती है, पहली जोत है, उनके वो लोग दर्शन कर सकें। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माजीसा का जो जन्म है वो जैसलमेर के जोगीदास गांव में हुआ था, और उनके पिताजी का नाम ठाकुर जोगीदास था गाइज। गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि माजीसा की जो शादी है वो मालानी की राजधानी जसोल में हुआ था, और जसोल के जो राव कल्याण सिंह जी है उन्हीं से इनका माजीसा का विवाह हुआ था गाइज। और गाइज आपको जान के बहुत खुशी होगी, जसोल में ही भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को माजीसा का मेला भरता है, जहाँ पे सैकड़ों की भीड़ आती है। और गाइज मतलब फुल भरता मेला यहाँ पे, और पांव रखने की जगह नहीं होती है, और ये बैरिकेड्स गाइज उसी लिए लगा रखे हैं, आप देख ही सकते हैं। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, सामने आप देख सकते हैं यही है माजीसा का मंदिर। बहुत मुश्किलों से यहाँ पे मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज मेरा जो DSLR है वो अंदर एंट्री नहीं थी, मैं अंदर मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैं बहुत रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब अगर देख लेता है कोई तो गाइज़ यहाँ पे मोबाइल, मतलब जो गार्ड लोग हैं वो जब्त कर लेते हैं और सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह डिलीट करा देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से गाइज़ मैं अंदर कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। गाइज आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि जसोल माता जी के दर्शन के लिए हर साल 15 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेला देखने के लिए। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो देवी है बहुत ज़्यादा चमत्कारी देवी हैं, और अभी ये शक्तिपीठ के रूप में यहाँ विराजमान है। जैसे गाइज वैष्णो देवी है, वैसे ही ये शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और आपको जान के हैरानी होगी गाइज कि यहाँ पे इंडिया से ही नहीं, मतलब यार दुनिया भर से लोग आते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे माता जी के दर्शन करने आते, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। कोरोना के बाद गाइज अभी रिसेंटली यहाँ पे मंदिर के कपाट खुले हैं, तो गाइज यहाँ पे भक्त लोग आ रहे हैं भाई, बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे दर्शन किए जा रहे हैं। और जितने भी श्रद्धालु हैं गाइज यहाँ पे अपनी उम्मीदों के सागर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और माता जी को जागरण दे के प्रसन्न कर रहे हैं गाइज। और सूर्य उदय की पहली किरण के साथ मारवाड़ के जो नजदीक के जितने भी गाँव वहां से भक्त लोग आते हैं, और माता जी की जो मंगल आरती होती है उसमें शामिल होते हैं, और माता जी की जो प्रतिमा है उनका फूलों से, गहनों से और जितने भी श्रृंगार के आइटम उनसे स्वागत करते हैं, और उनकी आरती की जाती है गाइज यहाँ। तो गाइज अभी मैं आपको जो माता जी का जो प्रतिमा है उनका एकदम क्लोज लुक दे रहा हूँ, आप घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पे माता जी से कर सकते हैं, और वो पूरी जरूर होगी गाइज, ये मेरा आपसे वादा है। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जैसलमेर के पत्थर हैं, और यहाँ पे इतनी बढ़िया कलाकारी की गई है, तो मंदिर के साथ साथ ये सब चीज़ें जो हैं वो भी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो धर्मशाला है वो गाइज यहाँ पे भक्तों को कुछ पल जो सुकून के भी देती है। जोगीदास गांव में जन्मी माजीसा का जो सबसे भव्य मंदिर है वो जसोल में ही है, लेकिन राजस्थान के कुछ कुछ जो छोटे छोटे गांव वहाँ पे भी माता जी के जो छोटे मोटे मंदिर हैं जहाँ पे भक्त लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकते। और माजीसा के जो चमत्कारी जो किस्से हैं वो हर जगह मशहूर। और ये जो सामने आप चीज़ देख रहे हैं ये शमशान घाट है गाइज, यहाँ पे माता जी को मृत्यु के बाद लाया गया था, और ये चीज़ खबर सुन के गाँव वालों को यकीन नहीं होता। जब वो गाँव वाले शमशान घाट में आए थे तो वीरान पड़े शमशान घाट में इस हरे भरे खेजड़ली पेड़ को देख के वो बहुत दंग रह गए थे, और यही एक सबसे चमत्कारी बात थी। और मरने के बाद गाँव वालों को उन्होंने माता रानी भटियानी के रूप में दर्शन दिए थे, और तब से ये मंदिर फेमस है। और रही बात उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु हुई थी गाइज जो इनके पति थे, उनके पहली पत्नी ने उनको जो उनका जो पुत्र था उनको दूध में जहर दे के मारा था, और जब माता रानी घर पर आए थे तो अपने पुत्र को इस हालत में देख के उन्होंने ऑन द स्पॉट अपने प्राण जो है वो त्याग दिए थे।
और मरने के बाद जब गांव वाले शमशान घाट पहुंचे थे तो वीरान पड़े शमशान घाट में इस हरे भरे खेजड़ली पेड़ को देख के गाइस वो लोग दंग रह गए थे। और यही ये सबसे बड़ा चमत्कार था माता रानी भटियानी का सबसे पहला। और आज इस खेजड़ली पेड़ में लोग मोली बांधते हैं, चुन्नी उड़ाते हैं और अपनी जो भी मतलब मनोकामना होती है वो यहाँ पर बोलते हैं। और जब भी वो पूरी होती है गाइस तो यहाँ पर फेरी देने के लिए वो लोग वापस आते हैं। तो गाइस थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे सवाई सिंह जी घोड़ेला का मंदिर है। और वो कौन है मैं आपको बताता हूँ, वो एक गौ रक्षक हैं और गौ रक्षा करते हैं, तो वो भी राजस्थान में काफ़ी फेमस हैं। आप गूगल में इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, बहुत से कहानियाँ किस्से और जो भजन हैं इनके नाम पर आपको गूगल पर मिल जाएंगे। तो गाइस फिर थोड़ा सा आगे की तरफ आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है। और भैरव जी को आप जानते ही हैं, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। भैरव जी बहुत ज़्यादा फेमस हैं सब भगवानों में। तो गाइस अभी हम लोगों ने जसोल माता जी के दर्शन कर लिए हैं। मैंने अंदर ये DSLR मेरा अलाउ नहीं था तो मैंने काफ़ी छुप के आप लोगों के लिए मैंने मोबाइल से अंदर रिकॉर्डिंग की है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरी मेहनत पर थोड़ा सा आप करना, सपोर्ट करना, लाइक भी करना, कमेंट करना। पूरा मंदिर मैंने आपको दिखाया है, अंदर मोबाइल से मैंने किया है, DSLR अलाउ नहीं था, बाहर रुकवा दिया था। तो गाइस ये था मेरा पूरा जसोल का टूर। आई होप आप सबको पसंद आया हो, और पसंद आया है गाइस तो लाइक करने में, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी करना मत, ठीक है। भर भर के सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और इसी तरह की जोधपुर से रिलेटेड और भी मतलब कहीं भी ट्रैवल करूँगा मैं तो उसकी सारी की सारी घर बैठे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो गाइज आप सबका सपोर्ट बनाए रखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो गाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहना। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।